गुड मॉनिंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू अला फाइन ना वेलकम यू वंस अगेन इन योर साइंस क्लास डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टिड अवर लेसन नंबर सिक्स मोशन एंड टाइम एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड अबाउट डेट वॉट इज मोशन वॉट इज रेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं है ना हमने डिस्कस कर लिया था कि मोशन एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाती है कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इट इज़ इन मोशन या हम कब कहेंगे कि वो इट इज़ इन रेस्ट पोजिशन या वट इज स्पीड दीज आर कम टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर एटी फाइव एंड अवर टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म यूनिमीन्स होता है सेम है ना यूनिफॉर्म सेम जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो अगर हम वहीं से कंपैरिजन करते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्कूल में जब आप लोग होते हो आप एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हो तो उससे क्या होता है एक सिमिलैरिटी आ जाती है सभी बच्चे सेम दिखते हैं अगर हम आपको यूनिफॉर्म ना पहनने के लिए बोलें तो सभी अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन के आएंगे है ना तो एक उससे आप सब डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे बट वैन यू वेयर द यूनिफॉर्म जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो आप सब जब लाइन में प्रॉपर खड़े होते हो तो यू आर लुकिंग यू लुक लाइक सेम आप सभी सेम नज़र आते हो तो यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलैरिटी तो यहाँ पे कहता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है दो टाइप के मोशन पढ़ रहे हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म अब ये क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन अब कहता है उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा है वो सपोज अ कार मूविंग एक कार है वो मूविंग वो एक कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट नैरो रोड पे ठीक है नैरो रोड है तंग रोड है उस पर वो ट्रैवल कर रही है लेट इट ट्रैवल फास्ट सबसे पहले वो ट्रैवल करती है थर्टी किलोमीटर इन द फर्स्ट आर मतलब यहाँ से अगर वो कार शुरू करती है यहाँ तक उसने मूव किया कितना किया थर्टी किलोमीटर ठीक है एक घंटे में पहले एक घंटे में फिर यहाँ से स्टार्ट किया था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फिर नेक्स्ट थर्टी किलोमीटर इन द सेकेंड आर अब नेक्स्ट यहाँ पे आया सी पॉइंट तक फिर से उसने थर्टी किलोमीटर कवर किया दूसरे घंटे में ये एक घंटा हो गया ये सेकेंड घंटा हो गया एंड अनदर नेक्स्ट फिर सी से जब डी पे गया डी पॉइंट पे गया फिर से उसने थर्टी किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया एक घंटे में ठीक है सॉरी वन आर ही लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो पहले ए से बी में गया एक घंटे में तीस किलोमीटर कवर किया फिर बी से सी में गया फिर एक घंटे में डिस्टेंस कवर कर लिया फिर सी से डी तक जाने में भी उसने एक घंटे का टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया थर्टी किलोमीटर तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो पर्सन है ये वाली जो कार है ये हर एक घंटे में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है है ना द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी एक घंटा एक घंटा एक घंटा टाइमिंग इज सेम एंड डिस्टेंस इज आल्सो सेम तो इस टाइप का जो मोशन होता है इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म अंडरस्टूड बेटा वेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस भी इक्वल हो टाइम भी इक्वल हो देन इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया इट्स स्पीड देयर फॉल रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है ओवर दिस वन आवर टाइम इंटरवल सो देअरफॉल कॉल द मोशन ऑफ दिस कार इज यूनिफॉर्म इसलिए हम इसके मोशन को क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको एंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन क्या डेफिनेशन होगी वेन इट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और जिसमें टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा ठीक है हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम में भी चाहे वो इंटरवल्स कितना भी स्मॉल हो बट इट यू शुड रिमेंबर आपको ध्यान में क्या रखना है कि डिस्टेंस भी इक्वल है एंड टाइम भी इक्वल है तब हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है क्लियर नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं अब कार ट्रेवल कर रही है है एक स्ट्रेट रोड पे बट प्रॉब्लम क्या है वहां पे लॉट्स ऑफ ट्रैफिक है ठीक है अब ट्रैफिक की वजह से आपको जो स्पीड है वो आपकी कम ज्यादा आपको करनी पड़ेगी इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ वो उसी रोड पे चल रही है कार बट उसकी स्पीड जो है अब वो क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी मान लो अगर रेड रोड खाली है तो वो अपनी स्पीड नॉर्म बढ़ा भी सकता है लेकिन जब ट्रैफिक हो जाएगा तो उसको स्पीड कम करनी पड़ेगी तो यानी कि वहाँ पे टाइमिंग भी अलग अलग होगा डिस्टेंस भी अलग अलग होगा देन वी सेड द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि अब सिमिलैरिटी नहीं है ना तो आपका टाइम सेम है ना ही आपका डिस्टेंस सेम है सो दैट मोशन इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया द मोशन ऑफ द कार इज ऑल्सो रिगार्डेड एज यो नॉन यूनिफॉर्म इट डज नॉट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इट इज द ओनली मोशन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ठीक है mo, no, mo, आपका जो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे वेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनईक्वल डिस्टेंस ठीक है जब वो अनईक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे जब इक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्लियर हो गया यस इस बेटर नाउ हियर इज गिवन एन एक्टिविटी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में कहा हुआ है कि यहाँ पे एक टाइम शो किया हुआ है आपको ठीक है और यहाँ पे एक पोजिशन दी हुई है कार की और यहाँ पे जो दिया हुआ है बस का ओके हेयर इज अ टाइम मैंशन किया हुआ है एंड हेयर इज अ डिस्टेंस नाइन ओ क्लाक हुआ सुबह के नाइन ओ क्लॉक अभी दोनों ने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी एक कार ने भी स्टार्ट किया है यहाँ से बस ने स्टार्ट किया है पाँच मिनट के बाद नाइन ए एम पाँच मिनट के बाद कार ने फाइव किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और उसने फोर किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया फिर अगले टेन मिनट्स में अगले जो यहाँ पे नाइन फाइव से नाइन टेन पे आ गया ठीक है अगला जो हमारा फाइव मिनट्स है इसमें अगेन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया टेन किलोमीटर यानी कि देखो यहाँ पे फाइव फाइव और फाइव टेन यहाँ पे फाइव किलोमीटर और कवर कर लिया यहाँ पे इसने कितने किलोमीटर कवर किया सिक्स किलोमीटर यानी कि टू किलोमीटर फोर तो ऑलरेडी था तो यहाँ से आ गया टू किलोमीटर फोर और टू सिक्स टू किलोमीटर इसने तो टू किलोमीटर कवर किया यहाँ से यहाँ तक है ना और इसने किया फाइव किलोमीटर और टाइम मेरा है फाइव मिनट्स ये भी मेरा फाइव मिनट्स था ठीक है यहाँ पे भी मेरा फ़ाइव किलोमीटर था ये मेरा फ़ोर किलोमीटर था अब आप आगे देखिए फिर नाइन टेन से नाइन फिफ्टीन ये मेरा फाइव मिनट्स हो गया ठीक है यहाँ पे आप टेन से फ़िफ्टीन किलोमीटर अगेन फाइव किलोमीटर हो गया ये हो गया सिक्स तो टू नाइन यानी कि थ्री किलोमीटर इसने कवर किया नेक्स्ट आ गया फिर से फ़ाइव मिनट नाइन फ़िफ्टीन से नाइन ट्वेंटी ये फाइव अगले पाँच मिनट में इसने फिर से पाँच किलोमीटर कवर किया क्योंकि फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी होते हैं और यहाँ पे इसने टू किलोमीटर कवर किया ना एट दिया अब आप इन टेबल अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए टाइम इंटरवल में क्या है पाँच 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 मिनट का गैप है कार में आप देख रहे हो कि हर फाइव मिनट्स में वो फाइव फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यानी कि सेम टाइम सेम डिस्टेंस तो कार का जो मोशन है इट इज यूनिफॉर्म मोशन लेकिन अगर हम बस की बात करते हैं बस में क्या है पहले वो फोर किलोमीटर कवर कर रहा है फिर वो टू किलोमीटर कर रही है फिर थ्री किलोमीटर कभी टू तो यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है इट इज़ नॉट सेम तो इसका जो मोशन है वो कौन सा है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया समझ आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यस बेटा ना द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ठीक है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो आपको समझ आ गया ना नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है टाइम अब टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ ये सभी को पता है एनी चेंज एनी मोमेंट विच टेक प्लेस आप उसको किस में मेजर करते हो फिजिकल डायमेंशन क्या है उसका टाइम में टाइम एंड चेंज आर ओफन लिंक्ड टुगेदर कहता है टाइम और चेंज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं ये दोनों वर्ड uh, ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं सम नेचुरल इवेंट्स जैसे कि हमारा सोलर और ल्यूनियर इक्लिप्स ओके वंस इन अ वाइल्ड ये एक बार होते हैं लेकिन कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम तो उनको हम क्या बोलते हैं पीरियडिक इवेंट्स जैसे डे एंड नाइट हमारे ठीक है तो पीरियडिक इवेंट्स होंगे इन एंशियन टाइम पुराने टाइम में पीपल यूज सच नेचुरल इवेंट्स इन्हीं नेचुरल इवेंट्स को मतलब यही जो कि भी सूर, सूर्य सूर्य ग्रहण आ गया चंद्र ग्रहण हो गया या फिर ठीक है इन्हीं नेचुरल इवेंट्स को देख करके ही रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सनसेट हो गया सनराइज़ हो गया सीजन इन ईयर इन्हीं के थ्रू वो अपना इंटरवल ऑफ़ टाइम को काउंट करते थे द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे कि एक सनराइज आज हुआ और जब नेक्स्ट डे सनराइज होगा तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया डे सिमिलरली मंथ को कैसे नाम दिया इन्होंने कि जब एक न्यू मून आएगा ए मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून अब की बार जो न्यू मून आया उससे जब यह नेक्स्ट न्यू मून आएगा तब वो काउंट करते थे मंथ क्योंकि पहले के टाइम में कैलेंडर्स नहीं होते थे बेटा जैसे आजकल तो आपके पास कैलेंडर्स हैं ठीक है आपके पास टाइम के देखने के लिए वॉच हैं तो ऐट द टाइम हमारे पास ये वॉचेज और कैलेंडर्स नहीं होते थे तब वो क्या करते थे जो एंशियन पीपल्स थे वॉट दे आर डूइंग वो इसी तरह से आइडिया लगाते थे कि आज हमारा एक सन निकला फिर कल अगले दिन सन आएगा तो ये या सन की पोजीशन ऐसे है और उसकी परछाई जो है वो धूप में हमारी शेडोज़ की लेंथ इतनी हो गई है तो अब ये टाइम हो गया होगा तो थोड़ा ऐसे वो आइडिया लगाते थे ठीक है तो ईयर कैसे मेंटेन करते थे वो ईयर वाज एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ़ द सन इस तरीके से वो पता लगाते थे फिर धीरे 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 फिर आगे आगे मेजरमेंट ऑफ़ टाइम के लिए अर्ली साइंटिस्ट शुरुआत के साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने कुछ डिवाइसेस को डेवलप किया ठीक है टू मेजर द टाइम इंटरवल्स दैट आर मच स्मॉलर देन अ डे लेकिन वो टाइम इंटरवल डे पूरा डे को मेजर नहीं करते थे थोड़ा उससे कम करते थे तो इसमें से एक डिवाइस का नाम है सन डायल ठीक है ये पिक्चर दिखाई हुई है सन डायल द आवर ग्लास ये आवर ग्लास है इसमें ऊपर रेत भरी हुई है आपने मूवीज में या कहीं देखी हुई होगी इसमें रेत भरी होती है कि जब वो सारी रेत ऊपर से नीचे आ गई तो एक घंटा कंप्लीट हो गया अगेन उसको पलट दिया फिर उसमें ऐसे इसमें करते थे या शेडो बन रही है ये शेडो यहाँ से यहाँ तक आ गई वापस तो इस टाइप से वो अपना अपना आइडिया लगाते थे या वाटर ग्लोब होती थी तो इसको यूज़ करते थे वो टाइम को मेजर करने के लिए बट नाउ आ डेज वी डिपेंड ऑन द क्लॉक्स अब हम किस पे डिपेंड करते हैं क्लॉक्स पे वॉचज पे टू तो मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम आजकल तो हम सेकेंड्स मिनट्स आवर्स इन सब में अपनी जो क्लॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम को मेजर कर सकते हैं ठीक है most of the clocks make use of some periodic motions and oscillating simple pendulum is known as periodic motion ज़्यादातर motion में periodic motion होता है और, और कई जैसे आप ये वाली क्लॉक है इसमें नीचे ये pendulum लगा होता है और ये ऑसीलेटिंग इसकी जो vibration होती है motion होता है इसको oscillatory motion बोलते हैं जैसे ये दिखा रखा है इस type से ये होता है तो जब ये पहले ऐसे move करेगा फिर ऐसे और वापस यहाँ आएगा तो इस motion को बोलते हैं oscillatory motion ठीक है तो ये सिंपल पेंडुलम क्लॉक होती थी पहले ये ऐसे बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती थी बाद में फिर और न्यू जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो आपकी न्यू न्यू तरह की जो है क्लॉक्स डेवलप हो गई तो फिर सबसे पहले आता है सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम क्या है एक मेटल का बॉब है यानी कि ये जो राउंड राउंड है ये मेटल का एक बॉल है बॉब बोल सकते हो और ये एक बंधा हुआ है किससे टॉट लाइट स्ट्रिंग और थ्रेड एक थ्रेड से दैट इज़ फिक्स्ड एट रिजिटली एंड वन एंड जो कि एक फिक्सड है एक पोजिशन पर और यहाँ से यह इसके साथ बंधा हुआ है ठीक है अब ये जो बॉब ऑफ पैंडुलम है इट इज़ फ्री टू ऑसोलेट अब ये फ्री होता है ऑसिलेट करने के लिए वेन द पेंडुलम इज़ एट रेस्ट इट इज़ इट इन मेन पोजिशन जब ये रेस्ट पोजिशन में है सेंटर में है तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन पर है वैन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस जब आपने इसको हल्का सा छेड़ दिया तो ये क्या करेगा रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऐसे 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 करके ये जाएगा ऐसे और ऐसे ठीक है तो ये टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा तो वन सच कम्प्लीट टू एंड फ्रो मोशन तो कहता है वन सच कम्प्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्वल इन टू वन ऑसिलेशन मतलब कि यहां से देखो तो ये मूव किया इसने ऐसे फिर अगेन वापस आया यहाँ पे देन अगेन यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया था जब वहां पे आ गया तो इसको हम बोलते हैं कि इसने वन ऑसिलेशन अपना कंप्लीट कर लिया है क्लियर है यहाँ पे बताया भी हुआ है कि वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा वेन द पेंडुलम गोज फ्रॉम वन इनिशियल पोजिशन यहाँ से गया ये ठीक है फिर मुइन पोजिशन पे आया फिर उधर गया फिर वापस अपनी पोजिशन पे आया देन वी से इसका एक वन ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड द टाइम टेकन फॉर वन कम्पलीट ऑसिलेशन और जितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कम्प्लीट करने में पेंडुलम का उसको हम उसका क्या कहते हैं टाइम पीरियड उसको हम उसका क्या कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ठीक है अब ये जो डिस्कवरी है ऑसिलेटरी मोशन की पेंडुलम की या इसकी प्रॉपर्टीज़ की वो जनरली किसने डिस्कवर की थी गैलीलियो ने ठीक है द स्टोरी गोज़ डैट वन डे क्या स्टोरी है कि वन डे ड्यूरिंग हिज विजिट टू अर चर्च जब वो चर्च गया था ही नोटिस डैट उसने क्या नोटिस किया द गैसियस लैम्प वहाँ पर जो गैस वाले जो लैम्प हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग वर स्विंगिंग ड्यू टू द ब्रीज वहाँ पर चर्च के अंदर ना लैंप्स लगे हुए थे और जो सीलिंग मतलब सीलिंग मतलब जहाँ पे आपकी जो छत वाली छत के साथ हैंग थे और वो ऐसे झूल रहे थे हवा की वजह से तो गैलीलियो ने नोटिस किया द स्विंगिंग वाज वॉज इन नेचर उसने देखा कि जो उसका नेचर है वो कैसा है पेयोर्डिक है ही मेजर्ड देयर टाइम पीरियड और उसने उसकी अपनी रिस्ट वॉच के अपनी रिस्ट के अपनी बीट्स ऑन हिज रिस्ट अपनी जो कलाई के ऊपर जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके थ्रू उसने उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया ही ऑल्सो ऑब्जर्व डेट उसने देखा ऑल लैम्प हैव द सेम लेंथ और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि सभी के सभी जो लैम्प थे उनकी लेंथ भी सेम थी और उनका सेम टाइम पीरियड था तो इसकी वजह से फिर उसको आगे पेंडुलम के और प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने में और इसके बारे में डिस्कवरी करने में उसको हेल्प मिली ओके नाउ हेयर इज एन एक्टिविटी गिवेन बेटे यहाँ पर एक्टिविटी बताई हुई है सिंपल पेंडुलम के बारे में अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप एक सिंपल पेंडुलम लो ठीक है आप उसको एक आप एक मीटर का धागा ले लो वन मीटर लेंथ का आप एक थ्रेड ले लो और उसके साथ ये मेटल का बॉब आप बांध दो ठीक है अब उसको आप अपनी पहले मेन पोजीशन पे आने दीजिए जैसे ओ पोजिशन है फिर आप उसको क्या करिए डिस्प्लेस कीजिए पेंडुलम को मतलब उसको आप हिलाइए ठीक है सपोज आप ए पोजीशन पे लेके आइए उसको और उसको फिर आप उसको रिलीज कर दीजिए टू वन साइड एंड रिलीज इट जेंटली अब उसको छोड़ दीजिए लेट द पेंडुलम ऑसिलेट फॉर सम टाइम पेंडुलम को ऑसिलेट होने दीजिए अब क्या करिए स्टार्ट अ स्टॉप वॉच आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए वेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन जैसे ही वो अपनी एक पोजिशन को कम्प्लीट कर लेता है और ऐसे ही आप करते करते उसकी टेन ऑसिलेशन को आप काउंट कीजिए और टाइम देखिए कि स्टॉप द वॉच एट दिस इंस्टेंट एंड रिकॉर्ड द टाइम टू कम्प्लीट दिस टेन ऑसिलेशन और टेन ऑसिलेशन में वो कितना टाइम ले रहा है उनको आप कंप्लीट कीजिए ठीक है जैसे मैंने पहली ऑसिलेशन कंप्लीट होगी रिकॉर्ड कर दिया फिर सेकेंड होगी फिर आपने कंप्लीट कर दिया थर्ड होगी फिर इस तरह से आप नोट डाउन करिए और कंप्लीट करिए द टाइम पीरियड इज़ दिस टाइम डिवाइडेड बाय द टेन उससे आपका उसका निकल जाएगा टाइम पीरियड ठीक है जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है आप जितनी बार भी उसका टाइम आ रहा है यहाँ पे नोट करो और फिर आप उसको टेन से डिवाइड करो मतलब हर बार जैसे आपने पहले पाँच सेंटीमीटर लेके आए फिर आप थोड़ा उसको और आगे ले आइए या थोड़ा पीछे कर दीजिए आप उसकी चेंजेस करिए मीन्स जैसे आपका ये मेटल बॉब है सपोज ये आपका मेटल बॉब है पहले आप इसको यहाँ से ला आपने छोड़ा अगली बार आप उसको यहाँ तक ले आए तीसरी बार आपने आप उससे भी कम डिस्टेंस पे छोड़ा मीन आप पोजिशन चेंज कर कर करके आप उसकी ऑसिलेशन रिकॉर्ड कर लीजिए और देन आप उसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए तो कहता है आप इससे क्या देखेंगे कि हर एक केस में यू विल फाइंड आउट आप क्या फाइंड आउट करेंगे अ स्लाइट चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर आपने इसकी पोजिशन चेंज कर दी इनिशियल पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे कम इससे इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ क्योंकि लेंथ इसकी सेम है तो ये हर बार एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उतना ही टाइम पीरियड लगेगा उतना ही टाइम लेगा अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डिफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ठीक है इट फॉलोज डैट अगर आप दो पेंडुलम लेते हो सेम लेंथ के दे विल टेक द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन अगर आप सेम लेंथ के दो पेंडुलम लेते हो तो उन दोनों की जो ऑसिलेशन का टाइम होगा वो भी सेम होगा क्लियर तो दिस ऑब्जर्वेशन लेट्स टू डिज़ाइन इस ऑब्जर्वेशन को डिजाइन में रखते हुए बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर पेंडुलम क्लॉक्स को डिजाइन किया था ठीक है आफ्टर दैट अ क्लॉक और द रिस्ट वॉच रन कंटिन्यूसली एंड कैन बी यूज टू नो द टाइम बाद में फिर हमारी क्लॉक और रिस्ट वॉच जो है वो मेजर्स हुई थी हाउ एवर दे कैन नॉट बी यूज टू मेजर एक्यूरेटली शॉर्ट टाइम इंटरवल्स लेकिन जो ये वाली हमारी जो क्लॉक्स हैं या रिस्ट वॉच हैं वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को जैसे आपके जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए अगर हम यूज़ करना चाहें तो आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपको मिनी सेकेंड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है सेकेंड से छोटे इंटरवल्स का भी तो उनके लिए बाद में फिर आपकी जो स्टॉप वॉच है वो डिस्कवर की गई थी इन डैट केस वी आर यूजिंग द स्टॉप स्टॉप वॉचेज क्लियर है ओके okay, बेटा सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है बेटा किसी भी तरह का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो आई विल रिप्लाई यू ओके बेटा थैंक यू